हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका तो स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं महात्मा ज्योतिबा फुले रुईखान यूनिवर्सिटी के इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आखिर कब होंगे, इसके साथ साथ प्राइवेट एग्ज़ाम फॉर्म कब फिल किए जाएंगे और आपके जो रेगुलर एग्ज़ाम फॉर्म है वो भी कब फिल किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप भी अगर इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म के बारे में। तो अभी लास्ट डेट 21 नवंबर रखी गई है, 21 नवंबर तक आप अपना इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म फिल कर दीजिए और 22 नवंबर तक अपने फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है उसका जो प्रिंट आउट है वो अपने कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। आपके जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है वो दिसंबर में होंगे। सभी स्टूडेंट्स अपनी परीक्षा की तैयारी कर लें। जिस सब्जेक्ट का वो इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के अगर आपके दो पेपर होते हैं ठीक है तो दोनों पेपर की तैयारी कर लीजिए, और अगर तीन पेपर होते हैं तो तीनों पेपर की तैयारी कर लीजिए। कोई भी स्टूडेंट्स कमेंट्स में ये ना पूछे कि ये तीनों पेपर अलग अलग होंगे या दोनों पेपर अलग अलग होंगे। चाहे अलग अलग हो चाहे एक साथ हो, आपके एग्जाम में तीनों या फिर जो आपके दो पेपर होते हैं दोनों में से ही क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए आप इस कंफ्यूजन में ना रहें कि पेपर अलग होंगे या साथ में होंगे। इसके बारे में अभी यूनिवर्सिटी ने कंफर्म नहीं किया है कि पेपर अलग अलग होंगे या साथ में होंगे। फिलहाल जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन आपके जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है ये दिसंबर में हो जाएंगे। इसलिए आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर लीजिएगा। जिस सब्जेक्ट का भी आपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म फिल किया है उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। यदि हम यहाँ पर बात करें प्राइवेट एग्जाम फॉर्म के बारे में, तो दोस्तों आपके प्राइवेट एग्जाम फॉर्म जनवरी में आज आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जनवरी में आपके प्राइवेट परीक्षा फॉर्म फिल किए जाएंगे। चाहे आप किसी कोर्स के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो, सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना हो, थर्ड ईयर का अपना फॉर्म फिल करना हो ठीक है, जनवरी में आपके प्राइवेट एग्जाम फॉर्म भी फिल किए जाएंगे और आपके जो रेगुलर एग्जाम फॉर्म है, जी हाँ दोस्तों, रेगुलर एग्जाम फॉर्म भी आपके जनवरी में फिल किए जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। इसके साथ ही ये जो जानकारी इस वीडियो में आपको दी जा रही है इसमें परिवर्तन संभव है, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली अपडेट नहीं दी गई है। कई सारे स्टूडेंट्स फिर भी जानना चाह रहे थे तो मैंने आपको जानकारी दे दी है। आपके जो प्राइवेट एग्जाम फॉर्म है वो जनवरी में आएंगे और यहाँ पर आपके जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म है वो दिसंबर में आएंगे, लेकिन जैसे ही इनके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स का इम्प्रूवमेंट फॉर्म गलत हो जाता है, तो अगर आपका फॉर्म गलत हो गया तो आप या तो यूनिवर्सिटी पहुंचकर वहां पर अपना फॉर्म सही करवा सकते हैं, इसके लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। और अगर आप यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते हैं तो अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम फॉर्म में, चाहे इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म हो, लैपटॉप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फॉर्म हो या स्पेशल परमिशन एग्ज़ाम फॉर्म हो, किसी भी फॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई धोखे से मिस्टेक हो गई, गलती हो गई है, तो आप इस ईमेल आई डी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है mjpru@helpnable.com ठीक है, इस वाली ईमेल आईडी पर आप अपने फॉर्म का जो भी प्रिंट आउट है उसे भेजिए और जो गलती हो गई है वो लिखकर भेजिए और जो सही करना है वो भी लिखकर भेजिए ठीक है। एक अपने फॉर्म का प्रिंट आउट स्कैन करके या फोटो खींच के जैसे भी है उसे इस ईमेल आईडी पर भेजना, उसके साथ में ही ठीक है प्रिंट आउट के साथ में ही जो गलती हुई है वो भी लिख दीजिए कि मेरे फॉर्म में ये गलती हुई है और इसे सही करके आप ये सही कर दीजिए, ये बात आपको लिखना है ठीक है। तो वो सारी चीज़ें लिखकर और फॉर्म को जो प्रिंट आउट है उसे स्कैन करके या फिर फोटो खींचकर इस ईमेल आईडी पर आपको भेज देना है। ईमेल आईडी एक बार फिर से आप यहाँ पर देख लीजिए, ये है mjpru@helpnable.com। इस ईमेल आईडी पर भेजकर आप अपने फॉर्म को सही करा सकते हैं, उसमें करेक्शन करा सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं तो फॉर्म के प्रिंट आउट लेकर यूनिवर्सिटी चले जाइए, वहाँ पर आपको तुरंत सही कर दिया जाएगा। इसमें 12 से 24 घंटे तक का समय लग सकता है, 12 से 24 घंटे तक वेट कीजिए, दोबारा से अपने आप एग्ज़ाम फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे तो सही किया हुआ एग्ज़ाम फॉर्म आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।